हम लोगों ने अभी तक के क्लास में देखा रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ना, कोई भी चीज का प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, अपना एज ए सेलर, सेलर होने के बाद हम अपने प्रोफाइल को अपडेट कैसे करते हैं, ये जो मेरा प्रोफाइल है इसको हम लोग अपडेट कैसे करेंगे, हर एक प्रोफाइल को पूरी तरीके से अपडेट कैसे करेंगे, ये सभी चीजें हम लोगों ने देखा। हर चीज, ऑफिस लोकेशन क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, टैक्स असेसमेंट कैसे करेंगे, डीओ ऑर्डर कंप्लायंस कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम लोगों ने अभी तक देख लिया। और साथ में हम लोगों ने एक देखा कि प्रोडक्ट, यदि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है जैसे एलईडी स्ट्रीट लाइट, एज ए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते, एलईडी स्ट्रीट लाइट है, हम इस प्रोडक्ट को पेयर कैसे करेंगे, पेयर मतलब कॉपी है ना, हम यही वाला प्रोडक्ट, यदि सेम वाला प्रोडक्ट यदि मुझे बेचना है तो हम अपने प्रोफाइल में अपने रेट में इस प्रोडक्ट को कैसे बेच पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस क्या होगा जिससे मुझे डायरेक्ट ऑर्डर मिल सकता है, डायरेक्ट ओनली फॉर डायरेक्ट ऑर्डर के लिए बेस्ट प्राइस क्या रहेगा, ये सभी चीजें हम लोगों ने अभी तक देख लिया। और साथ में देखा कौन से प्रोडक्ट के लिए ऑथराइजेशन नंबर लगता है और कौन से प्रोडक्ट के लिए ऑथराइजेशन नंबर नहीं लगता है, कौन सा प्रोडक्ट विदाउट ऑथराइजेशन नंबर आप पेयर कर सकते हो और कौन से प्रोडक्ट को विद ऑथराइजेशन नंबर आपको पेयर करने को जरूरत पड़े। यहां तक हम लोगों ने क्लास में अभी तक कंप्लीट किया, इसके आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे। पहले ये प्रोफाइल का जो ये कैटलॉग का पार्ट है इसको खत्म करते हैं। इसमें दो पार्ट और रह जाता है, एक है प्राइस ट्रेंड्स और दूसरा पार्ट है अपना, ये देखो यहाँ पे रेटिंग वगैरह आता है और रिपोर्ट दिस प्रोडक्ट है ना, ये सभी चीजें क्या है ये हम लोग आज के क्लास में अभी इस टॉपिक्स में कवर करेंगे। सबसे पहला प्राइस ट्रेंड्स, प्राइस ट्रेंड्स मतलब क्या, देखो प्राइस ट्रेंड्स मतलब मार्केट में इस प्रोडक्ट का सेल कैसा चल रहा है ना, अभी ये जो प्रोडक्ट है इस कैटेगरी का और इस प्रोडक्ट का सेल कैसा है, लोग जो बायर है वो क्या प्राइस में इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो हम इसका प्राइस ट्रेंड देख सकते हैं। ट्रेंड्स में जाएंगे, ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब प्राइस का मूवमेंट कैसा है, इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कौन से लोगों को इस प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला है और क्या रेट में मिला है। तो देखो इस प्रोडक्ट का ऑर्डर जो मिले हैं यहाँ पे किसी को थ्री पॉइंट लास्ट सिक्स मंथ का ऑर्डर का ये दिखाता है, लास्ट सिक्स मंथ का, यहाँ पे मिनिमम, ये मैक्सिमम का है और ये एवरेज प्राइस है। तो ये जो प्राइस दिखा रहा है देखो यहाँ पे अक्टूबर महीना में जिसको ऑर्डर मिला था उसको 3.38 से ये प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला था, फिर नवंबर में किसी को ये ऑर्डर नहीं है, एवरेज प्राइस है। और यहाँ पे एवरेज प्राइस एक मिनट, हाँ नवंबर में, नवंबर का एवरेज प्राइस है 1.59, दिसंबर का प्राइस है 2000 का, और जो जनवरी में जो ऑर्डर्स मिले हैं वो किसी को हाई प्राइस, सो सबसे ज्यादा रेट में मिला है वो 3.38 के का है, बीच में 2.32 का भी है और 1.59 का भी है, मतलब अलग अलग रेट में अलग अलग लोगों को ऑर्डर मिल रहा है, एक ही प्रोडक्ट अलग अलग रेट में अलग अलग लोगों को ऑर्डर मिल रहा है, कैसे, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था, एक तो लोकेशन वाइज रेट से अलग हो सकता है और दूसरा मिनिमम और स्टॉक के वाइज रेट अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए एक ही प्रोडक्ट अलग अलग रेट में अलग अलग लोग सेल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट का, यहाँ पे लास्ट सिक्स परचेज भी दिखाता है, ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिखा रहा है, नहीं तो आपको इस प्रोडक्ट का लास्ट सिक्स परचेज किसको इंक्लूडिंग किनको मिला उनका नाम भी नीचे डिस्प्ले होता है, किसको मिला और लास्ट किस रेट से मिला उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आता है, पर लास्ट सिक्स परचेज, छह परचेज आपको यहाँ पे दिखता है। अब जिसके सब कैटेगरी की बात करेंगे तो सब कैटेगरी के अकॉर्डिंगली इसको कितना ऑर्डर मिला ये आपको यहाँ पे पता चलेगा, मतलब इस कैटेगरी से इस प्रोडक्ट का लिंक आपको बताएगा, तो कोई प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है तो हम लोग एक दूसरा और एक प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वहां पे शायद और ज्यादा क्लियर हो जाए अपने को। यहाँ पे आता है प्राइस ट्रेंड्स, सॉरी प्राइस ट्रेंड्स, ये जेम में थोड़ा प्राइस ट्रेंड्स का प्रॉब्लम रहता है, नो परचेज यूजिंग दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को कोई,
अभी तक इस प्रोडक्ट को कोई ऑर्डर ही नहीं मिला है, आज तक इस प्रोडक्ट को कोई ऑर्डर नहीं मिला है, किसी ने परचेज नहीं किया है। प्राइस पेंट्स ये इसमें है परफेक्ट प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड वन टाइम, एक बार ये प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है 2, 3, 5, 9 टाइम्स में, मतलब इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है, इस कैटेगरी, इसका कैटेगरी क्या है, कौन सा कैटेगरी, एलईडी स्ट्रीट लाइट का कैटेगरी है। तो एलईडी स्ट्रीट लाइट में से हम लोग जो प्रोडक्ट अभी देख रहे हैं उस प्रोडक्ट को एक बार सोल्ड हुआ है। और इस कैटेगरी में टोटल कितने प्रोडक्ट्स, मतलब टोटल कितनी बार ऑर्डर को ऑर्डर्स मिला है, 2, 3, 5, 9 टाइम्स ऑर्डर मिला है, उसमें से इस प्रोडक्ट को एक बार ऑर्डर मिला है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या थी, 4,99,788 उसकी वैल्यू थी। और टोटल ये जो एलईडी स्ट्रीट लाइट है कैटेगरी में, इस कैटेगरी में कितने ऑर्डर्स, टोटल कितने पैसे का ऑर्डर मिला है, तो 30,40,66,738 रुपीस का ऑर्डर मिला है, अभी तक गया है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट, ये जो प्रोडक्ट है 2, 3, 5, 9, 1 टाइम जो अभी सेल हुआ है, वो टोटल 72 क्वांटिटी का प्रोडक्ट था। चलो अभी रेट देख लो, ये 2.8 से नॉर्मली सेल हुआ है, इसका 6.9, यहाँ पे 8.9 हाईएस्ट प्राइस बता रहा है, ये जो लाइन बता रहा है ये हाईएस्ट प्राइस बता रहा है, ये इसका एवरेज बता रहा है, और इसका ये मिनिमम, सॉरी हाँ, ये इसका मिनिमम प्राइस बता रहा है। तो आपको लास्ट 4 मंथ का आपको ये प्राइस ट्रेंड्स बता रहा है, हाई रेट भी बता रहा है, इसका लो रेट बता रहा है, और इसका ये एवरेज प्राइस बता रहा है। अभी देखो किसको मिला था, ये एक बार सेल हुआ था, यहाँ पे क्या बोला, वन टाइम सेल हुआ था, 2, 3, 5, 9 रुपए। तो उसका प्राइस क्या था, उसका प्राइस जो सेल किया था उसने 6,941 से सेल किया था, कितना क्वांटिटी, 72 क्वांटिटी, कहां पे सेल हुआ, राजस्थान से, राजस्थान का बायर था, और सप्लायर कौन था, एसएस इंफ्राजोन। कब सेल मिला उसको, ऑर्डर कब मिला था, 26/8/2021। और यदि कोई ऑर्डर होता था तो लास्ट 6 ऑर्डर आपको यहाँ पे मिलते, ये पूरे प्रोडक्ट का आपको और उसके कैटेगरी का इंफॉर्मेशन, इसके रिलेवेंट जो कैटेगरी है अभी उसका हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आपको इसका सब कैटेगरी का इंफॉर्मेशन मिलता। क्लियर है, किसी को डाउट्स है प्राइस ट्रेंड्स के रिगार्डिंग तो बताओ। किसी को पूछना है कुछ तो अनम्यूट कीजिए, पूछ सकते। चलिए तो हम लोग, हाँ बोलिए भारती मैडम। सर एक बार रिपीट कीजिए ना ये ट्रेड का। ट्रेंड्स में आपको प्राइस मिल दिखता है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज प्राइस, और ये ऑर्डर जो किसको मिला वो आपको यहाँ पे सब कुछ पता चलता है, यही प्राइस ट्रेंड्स है, मतलब उस प्रोडक्ट का क्या रेट में क्या क्या जा रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। प्राइस ट्रेंड कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट खोलिए, प्राइस ट्रेंड्स में क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ओके सर। श्वेता मैडम आपको आइडिया लग जाता है कि आपका प्राइस क्या होगा, है कि नहीं, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को किस रेट में बेच सकते हो, मार्केट में इसका प्राइस क्या चल रहा है, आपको आइडिया लग जाता है। पर देखो जेम की मार्केट अभी ऐसी स्थिति में नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जेम में सब कुछ मैनेज्ड है, बिना मैनेज का आपको ऑर्डर मिलना बहुत ही मुश्किल। हाँ यदि आपका मैनेज नहीं है, आप डायरेक्ट कोई टेंडर भर रहे हो तो आप आइडिया जरूर लगा सकते हो, जो मैं इस रेट में जनरली टेंडर भरना चाहता हूँ एज ए टेंडर के लिए, डायरेक्ट ऑर्डर में आपको मिलना तो मुश्किल। या अभी यही प्राइस यदि आपकी सर बायर का पहचान है, इसका हाईएस्ट रेट क्या जा रहा है, 6.8.9 के, आप यही वाला प्रोडक्ट 15,000 में भी बेचोगे बायर को और आपके सर बायर मैनेज है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर आपको ही मिलेगा। यदि कोई इसको 1.4 के में बेच रहा है तो भी इसको ऑर्डर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट में बता। हाँ बीड के टाइम पे आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो, पर आगे यदि ये पूरा बायर और सेलर के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये दूर होता है, जो अभी क्लोज है उस दूर होता है,
तो ये आपके लिए बहुत फायदे का रहेगा। श्वेता मैडम क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? जी सर जी। बोलिए और किसी को कोई डाउट्स? आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये रेटिंग बायर देता है। आप जब प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे तो आपको बायर इस तरीके से रेटिंग देता है। तो आपका रेटिंग कैसा है, बायर फीडबैक आपका कैसा है, डिलीवरी कैसा है, यूजर फीडबैक, ये सब कुछ आपको दिखा रहा है। और इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। लास्ट एक साल में इनको कोई इंसिडेंट रेज नहीं हुआ। इंसिडेंट रेज होने का रीजन क्या है, इंसिडेंट रेज हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सब कुछ हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। एक इंसिडेंट का अलग ही क्लास होगा। अभी मुझे ये लग रहा है कभी कभी यहाँ पे एरो वगैरह रहेगा, मतलब इस प्रोडक्ट का ये जो सेलर बेच रहा है उनके अगेंस्ट में जब इंसिडेंट रेज होता है तो आपको ऐसा यहाँ पे एरो वगैरह दिखने को मिलता है, रेड ग्रीन येलो, मतलब जो यूजर इसको बेच रहा था, जो अभी बेच रहा है इस रेट पर, उनके अगेंस्ट में कोई इंसिडेंट रेज हुआ है तब यहाँ पे आपको ऐसा ट्रायंगल मिलता है। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको ऐसा ट्रायंगल मिलेगा। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिपोर्ट दिस प्रोडक्ट। अभी इस प्रोडक्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, अभी ये जो प्रोडक्ट है या तो ओरिएंट कंपनी का नहीं है या इस प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है वो गलत है, यहाँ पे जो डाला हुआ है उसके रिलेवेंट ये स्पेसिफिकेशन नहीं है, या इसका प्राइस गलत है, एमआरपी जो है वो गलत है, या ये जो इसने ऑफर प्राइस कर रहे हैं ये गलत है, ऑफर प्राइस इतना कम या इतना ज्यादा नहीं हो सकता, तो भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। और ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के रिलेवेंट ये प्रोडक्ट नहीं है तो भी हम कंप्लेन जेम को कर सकते हैं। जेम इसको वेरीफाई करता है और यदि सच में ये प्रॉब्लम रहा, इसमें से कोई भी आपने कंप्लेन किया, इस प्रोडक्ट को मार्केट से निकाल दिया जाएगा। ये रियल है। कैसे करेंगे हम लोग कंप्लेन? रिपोर्ट दिस प्रोडक्ट। यहाँ देखो यहाँ पे क्या क्या हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं। पहला है मिस डिक्लेरेशन ऑफ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब एमआरपी गलत है। अभी कोई कोई एमआरपी एकदम गलत डाल देता है, या एमआरपी इसका 7,000 है पर मुझे लग रहा है एमआरपी अभी इसका 10,000 हो चुका है और यहाँ पे 7,000 एमआरपी है, तो हम लोग एमआरपी के रिगार्ड में कंप्लेन कर सकते हैं। पर जो भी हम लोग कंप्लेन करेंगे उसका प्रूफ देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट एविडेंस देना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा इस प्रोडक्ट का एमआरपी फिर एग्जैक्ट क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एमआरपी के लिए क्या क्या दे सकते हो, यदि कंपनी ओरिएंट कंपनी का है, ओरिएंट कंपनी से आप एक लेटर लेते हो कि इस प्रोडक्ट का एमआरपी कितना है, तो लेटर सबमिट कर सकते हो, या इसका कैटलॉग बना के अपलोड कर सकते हो, ब्राउचर बोल सकते हैं, या फिर इस प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग का फोटो होता है, कोई प्रोडक्ट में पैकेजिंग होता है और उसके पीछे उसका रेट रहता है, वो रेट का कॉपी डाल सकते हो, या फिर आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, जब परचेज इनवॉइस में उसमें एमआरपी यदि लिखा है वो इनवॉइस का डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये सभी एमआरपी के लिए चल जाए। अनरीजनेबल ऑफर प्राइस, अनरीजनेबल मतलब जो ये जो ऑफर प्राइस कोट दे रहा है वो अनरीजनेबल है। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले एलईडी स्ट्रीट लाइट का कुछ कंप्लेन किए, 1 रुपया में बेच रहा था कोई, 1 रुपीज, तो मैंने उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर दिया। वो क्या किया मैंने, अनरीजनेबल ऑफर प्राइस, मतलब ये ऑफर प्राइस हो ही नहीं सकता, 1 रुपया में कौन दे सकता है। जैसे मैंने कंप्लेन किया 3 से 4 दिन में वो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो, तो आप ऐसा भी कंप्लेन, आपको लग रहा है ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्राइस एकदम अनरीजनेबल है, वो हो ही नहीं सकता, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो। ऑफर डिसकंटिन्यू और एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट, अभी ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, तो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो, या लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस नॉट रिलेवेंट टू दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी से ये बिलोंग नहीं करते, तो भी कंप्लेन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए इमेज गलत है, स्पेसिफिकेशन गलत है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो ये सब के वजह से आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, कंप्लेन करके उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करो और इसको सबमिट करो, तो जेम इसको वेरीफाई करेगा और यदि उनको लगा कि सच में ये आपने जो कंप्लेन किया है वो सही है तो ये प्रोडक्ट को मार्केट से निकाल दिया जाएगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, खास तौर पर इस कैटेगरी में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अभी आपको बताता हूं, कंफर्टेबल कार्ट्रिज सबसे बेकार है ये कैटेगरी। यहां पे क्या प्रोडक्ट नहीं है, जो बोलेंगे सब प्रोडक्ट अवेलेबल, जो चाहिए आपको
प्रिंटर है, पैच कोड है, और भी बहुत सारा, कोई कंप्यूटर डाल दिया है, एलईडी लाइट भी मिल जाएगा यहाँ, जबकि ये किसका है, कंफर्टेबल कार्टरेज का, तो ये कार्टरेज ही होना चाहिए, तो फिर आप ऐसे में भी इसको कंप्लेन कर सकते। ये थोड़ा सा कैटेगरी, इसको लोड भी ज्यादा है इस कैटेगरी पे, तो थोड़ा टाइम भी लेता है। आपको मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लोड ये ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक मैं कुछ क्वेरीज ले लेता हूँ किसी का पूछे तो। इनके सब कंप्लीशन कंप्लेन सेलर रिमूव होगा या प्रोडक्ट रिमूव होगा? नहीं, वो जो सेलर का जो रेट है, सेलर का खाली प्रोडक्ट रिमूव होगा। हाँ, यदि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया तो फिर प्रोडक्ट ही रिमूव हो जाए, और यदि सेलर के अगेंस्ट में कंप्लेंट है, वो ऑफर प्राइस गलत डाल रहा है, तो सिर्फ वो सेलर का रिमूव होगा ऑफर प्राइस पे, प्रोडक्ट रहेगा सिर्फ सेलर का, वो सेलर का के सेलर के पास से कैटलॉग से वो निकल जाएगा, पर प्रोडक्ट रहेगा। एमआरपी गलत है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही निकाल देगा जी। तो डिपेंड, आप कंप्लेन कैसा कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ राघव सर बोलिए। सर एक चीज ना समझ में नहीं आ रही, मैं एक प्रोडक्ट को पेयर कर रहा था, हाँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, अब मैं उसमें दो चीजें रहती, जैसे एक ओएम वेरीफाइड रीसेलर सर 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 और प्लीज खत्म, अभी नहीं, क्वेरी का क्लास खत्म हो चुका है। हम अभी, मैंने आप लोगों को एक चीज क्लियर लुक से बता दिया है कि आपको पूछना कब है, अभी नहीं पूछ सकते, अभी इसके रिलेवेंट कोई टॉपिक से तो क्वेरी का क्लास 6:30 बजे से 7 बजे तक हम लेते हैं, या फिर क्लास खत्म होने के बाद आपको दूसरे टॉपिक्स में नहीं पूछेंगे आप लोग। हाँ मैडम, Q3 Q4 सबके बारे में बताऊंगा एक एक करके। मैं पहले खाली कैटेगरी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, भर भर के इस कैटेगरी में बहुत अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा आपको, मतलब ये कंफर्टेबल कार्ट्रेज है, पर कार्ट्रेज छोड़ के बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हाँ रविंद्र सर बोलिए। सर एक ही सेलर के ऊपर ज्यादा कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है 45 डेज के लिए, अकाउंट ब्लॉक। ओके अभी यहाँ पे सब कार्ट्रेज ही दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको करो लो टू हाई, तभी आपको दिख पाएगा लोएस्ट प्राइस में देखो क्या क्या प्रोडक्ट है, एक एक रुपया में भी कार्ट्रेज दे रहे हैं। देखो अभी देखो प्राइस 30 रुपया में दे रहा है, 30 रुपये में कार्ट्रेज मिलेगा नहीं अभी, ये तो 30, ये रीजनेबल प्रॉफिट प्राइस। आप इसके अगेंस्ट में हम कंप्लेन कर सकते कि 30 रुपीज में कार्ट्रेज मिलता है क्या, तो ये अनरीजनेबल ऑफर प्राइस, हम इसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। ये देखो HP टोनर है, पाउडर है, ये कैसा है, ये कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, ये गलत है, यहाँ पे पाउडर आपको बेचने के लिए नहीं बोला, कार्ट्रेज बोला, तो ये इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, हम इसके अगेंस्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद भी देखो और क्या, ये देखो ये केबल इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, प्रिंटर इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, तो ये सब के बारे में हम यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं सभी चीजों में। देखो प्रिंटर में ये ड्रम बेच रहा, तो ये इससे इस रिलेवेंट कैटेगरी नहीं है, तो ये सब के बारे में हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। यदि हमने जेम को कंप्लेन किया तो ये प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाए। ये सब कभी भी आपको लग रहा है कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। इसमें चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स पे भी अपना प्रोडक्ट नया कैसे डेवलप है ना। अभी तक हम लोगों ने पेयर देखा, अभी नया प्रोडक्ट पे काम करेंगे, नया प्रोडक्ट डालना है तो क्या है?